रोडवेज संविदा कर्मचारियों ने शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने ये बताया कि वो संविदा कर्मी तौर पर कार्यरत हैं, अब ऐसे में उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का ये कहना कि प्रदेश भर में कोरोना और लॉकडाउन की घोषणा के बाद से रोडवेज बसों का संचालन नहीं हुआ, इससे संविदा कर्मियों और उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ चुका है। सर, हम प्रबंधक निदेशक जयपुर हेड ऑफिस के माध्यम से, रोडवेज के माध्यम से इसको देना चाह रहे हैं। हमारे बस एजेंट बस सारथी योजना के अंतर्गत हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं और लगभग 3 महीनों से इस बीमारी के, कोरोना बीमारी के कारण हम जो बैठे हैं, हमारे को कोई आर्थिक सहायता नहीं है, कोई अनुदान राशि नहीं है और आगे भी इसका कोई सोर्स मालूम नहीं पड़ रहा। हमें रखेंगे या नहीं रखेंगे, या हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, अभी कोई ये बीमारी के कारण पैसेंजर आवे नहीं आवे, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं, कमीशन बेस में हैं, हमारा कमीशन किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा, टारगेट कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, हम हमारी आगे की आजीविका कैसे चलाएं।